अगली खबर में बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां ग्राम लाड़कुई में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल प्रांगण में दुकानदारों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम ग्रामीण ने ज्ञापन सौंपा। वही जानकारी देते हुए ग्रामीण कंचन सिंह ठाकुर ने बताया कि हाई स्कूल से लगी दुकानों से गंदा पानी व सामान दुकानदारों द्वारा पीछे स्कूल प्रांगण में फेंका जा रहा है, जिससे स्कूल में गंदगी व बदबू फैल रही है। वहीं कंचन सिंह ठाकुर ने कहा कि जल्द दुकानदारों द्वारा फेंकी जा रही गंदगी को बंद नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री आवास तक पद यात्रा कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। अपना नाम बताओ। कंचन सिंह ठाकुर। कहाँ के निवासी है दादा? ग्राम लाड़कुई। कल आपके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि जो नवीन भवन बना है स्कूल के अंदर, अभी उसके उत्तर की ओर इतनी गंदगी हो रही है और ये होटल उनके पूरे गेट खुले रहते हैं और पानी पूरा हिटता है, तो उसके वजह मच्छर फच्छर गंदगी इतनी हो रही है बेतादाद। उसको साफ सफाई की जा, और दूसरी बात बच्चियों जो पढ़ती है, जाली खुली है तो लोग गेट में से आके बाथरूम करते हैं। शर्म की बात है कि उन लोगों को गेट खोल के इधर बाथरूम निकलना चाहिए, इतनी गंदगी इतनी परेशानी हो रही है। शासन के द्वारा ये इसको हटाया जाए, अगर इसको 15 तारीख के अंदर अंदर नहीं हटाया तो हम युवा उनको लेके और भारत यात्रा के साथ मुख्यमंत्री के पास भोपाल जाएंगे।